हाय हेलो नमस्ते, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल आशा श्री के किचन में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम बनाने वाले हैं भेल। आपकी छोटी मोटी भूखों या शाम का कुछ खाने का मन या बच्चों का जिद, ऐसे समय आप इस तरह से भेल बना कर खाएंगे तो आपका पेट भी फुल होगा। छट से बनाए और फट से खाए। तो चले हमें भेल बनाने के लिए क्या सामग्री चाहिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कप जितना मुरमुरे, दो प्याज, एक चम्मच ऑयल, खीरा और मैंने गाजर को छोटे टुकड़ों में काट के लिया है। नेक्स्ट एक कप जितना सेव, लाल मिर्च पाउडर और नमक और चाट मसाला। उसके बाद मैंने यहाँ पर टमाटर यूज़ किया है और हरी धनिया की पत्ती को काट के ले आए। तो सबसे पहले हमें इस मुरमुरे में लाल मिर्च पाउडर, नमक और चाट मसाले को अच्छे से मिक्स करके लेना है। ये तीनों डालने के बाद आपको हाथ से हो या चम्मच से अच्छे से इसको मिक्स करना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स किया है। इसके बाद मैं एक ही चम्मच जितना ऑयल डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालना है, सिर्फ एक चम्मच या उससे भी कम डालिए और इसको अच्छे से आप मिक्स करना है। जब तक इस लाल मिर्च पाउडर डाला हुआ है वो सब तरफ नहीं हो जाता तब तक इसको अच्छे से हिलाइए। जब इसका कलर आने लगेगा लाल कलर तब आपको पता चलेगा अच्छे से ये मिक्स हो चुका है। ये देखिए मेरा अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके बाद मैंने यहाँ पर सेव को एक कप जितना लिया था इसी में डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। मैंने यहाँ पर सेव डालने के बाद यहाँ पर अच्छे से इसको मिक्स किया है। आपको कभी भी भेल बनाना हो तो सबसे पहले कभी भी आपको प्याज हो या टमाटर हो कभी भी सबसे पहले नहीं डालना है, नहीं तो आपके मुरमुरे एकदम नरम हो सकते हैं। इसीलिए आपको टमाटर हो या प्याज कभी भी पहले नहीं डालना है। ये देखिए मैंने सब इंग्रेडिएंट्स डाल के होने के बाद ही मैंने यहाँ पर प्याज, टमाटर, खीरा और गाजर को डाल के मैंने यहाँ पर अच्छे से मिक्स करूँगी। इसके बाद मैंने यहाँ पर यूज़ किया है हरी धनिया की पत्ती को। इसको मैं यहाँ पर पूरे छोटे टुकड़ों में काट के इसी में डाल के अच्छे से यहाँ पर मिक्स करूँगी। प्याज टमाटर डालने के बाद इस भेल को आपको बहुत देर तक नहीं रखना है, तभी बनाकर तभी ही खाना पड़ेगा, नहीं तो आपके मुरमुरे नरम पड़ सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा था छट से बनाए और फट से खाए। इसको बनाने के लिए आपको बहुत टाइम भी नहीं लगेगा, 5 मिनटों में बनाकर रेडी भी हो जाएगी और आपकी भूख भी मिट जाएगी। इस तरह से आप ये सूखी भेल को ज़रूर बनाकर खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए ये भेल कैसी बनती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने यहाँ पर ये भेल अच्छे दिखने के लिए टमाटर, खीरा और मिर्ची को लगाकर मैंने यहाँ पर इस तरह से डेकोरेट किया है। आप ऐसे भी रख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।